कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण विधायक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने किया। पौधारोपण 2 एकड़ के क्षेत्र में सांस्कृति महत्व विभिन्न प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण किया गया। बीजापुर जिले से खबर आ रही है, जहां बीजापुर में 19 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना कृष्ण कुंज का शुभारम्भ नगर पालिका बीजापुर से हुआ। नगरीय क्षेत्रों में विलुप्त हो रहे सांस्कृति महत्व के पौधों का एक अनूठा संग्रह के रूप में यह है सवितक न्यूज सच की आवाज। हमारे संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा की खास खबर। कर्मचारी और प्रेस मीडिया के साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, लिया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिले वासियों की ओर से, मेरी ओर से, कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को वनों से बहुत प्यार था, उन्हें फलों से बहुत प्यार था, और हमेशा जैसे हमारे पूर्ववर्ता लालू राठौर जी ने बताया कि भगवान कृष्ण सबके प्रिय थे, और उस अवसर पर बहुत बड़ा काम छत्तीसगढ़ शासन ने दिया है, और लगातार शासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज जो कृष्ण कुंज बनाने के पीछे जो बहुत से जो प्रजातियां हैं, बहुत से जो जातियां हैं, पेड़ पौधे जो विलुप्त हो गए उनकी स्थिति में है, हम लोग भी जैसे कदम, नीम और क्या बरगद, पीपल, बट और ऐसे बहुत सारे अन्य भी जो प्रजातियां हैं उनको यहाँ पर लगाना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इससे निश्चित तौर पर आने वाले समय, आने वाले पीढ़ी को, हम सबको उनका पहचान हो रहा, उनका ज्ञान हो रहा, उनके बारे में जानकारी हो जी, एक अच्छा पहल, अच्छा सोच छत्तीसगढ़ शासन ने लिया है। आप सभी जानते हैं कि वनों का और पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आज वन और पेड़ जंगल ना हो तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, जो पर्यावरण को संतुलन बनाने में इन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जिनको बचाने में हम सब लगे रहते हैं, सरकार लगे रहती है, लेकिन साथ साथ सबके पीछे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर जिले के अंदर में भी आप सभी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वनों को बचाने में दिन और रात लगे रहते हैं। आप सबके प्रयास के ही बदौलत ही बीजापुर जिले बहुत अच्छी स्थिति में, हम सब वन बहुत ज़्यादा मात्रा में वन यहाँ पर आए जाते हैं और वन हैं, बचे हैं, इसके लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, और आने वाला समय ये कृष्ण कुंज और अच्छे, अभी तो शुरुआत है और बरसात की वजह से बहुत अच्छे रूप में नहीं हो पाया, यहाँ पर गेट बनना है और बहुत सारा अन्य फिर से इसमें निर्माण कार्य होना है, जल्द से जल्द अच्छे नए स्वरूप में ये कृष्ण कुंज बने, ऐसा मैं आशा विश्वास करता हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।